मुंसलिक हमसे ये गम है, हम गमे शबीर से। ज़ैन सल्लमों बतौर खास दुआ चाहता हूँ कि मुंसलिक हमसे मुंसलिक हमसे ये गम है, हम गमे शबीर से। तो कौन रोकेगा हमें फिर मातमे शबीर से, कौन रोकेगा हमें फिर मातमे शबीर से। बतौर खास कौन रोकेगा, कौन रोकेगा हमें फिर मातमे शबीर से। कितना असगरे बेशीर से, हुरमुला डरता है कितना असगरे बेशीर से। और आपकी तरफ से शेर नज़्म करूं आदर्श भाई, दुआएं चाहता हूं कि महफिलो मजलिस जो हम करते हैं इतनी शान से, मजलिसों महफिल जो हम करते हैं इतनी शान से, अरे ये शरफ पाया है मैंने अपनी माँ के शीर से, ये शरफ पाया है मैंने अपनी माँ के शीर से। मुंसलिक हमसे और जात यहाँ से मैं एक मनकबत पेश करना चाहता हूँ, और जैसे संजीदगी सुन रहे हैं वैसे सुनिएगा, इसलिए कि बहुत थक गए हैं आप हजरात मुसलसल, और खुदा ताकत दे, और हमारे जो बैरूनी शोरा हैं उनको आप हजरात मायूस न जाने दीजिएगा। मैं मतला पेश कर रहा हूँ क्योंकि समझदार लोगों का कोई तमीज नहीं, काफ़ी आपकी समातों के हवाले पेश करूँ। मुलाय फरमाए फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा, अरे साइन साहब पहले दौड़ महफिल खत्म हो जाएगी। हसन रजा भाई हजरत, मैं पेश कर रहा हूँ चूँकि साहिब इल्म का मजमा है और दोशीपुरा के मोमिन यहाँ बैठे हुए हैं, लिहाजा मैं उनकी बिलखसूस तवज्जो चाहता हूँ। बहुत छोटा सा मिसरा शहजादे के हवाले से, अजमत सैदा नबी समझे। अब मैं हसन रजा भाई, आपने पान खा लिया है, कोई जोर नहीं है। अजमत सैदा नबी समझे गुफ्त, बतौर खास पेश कर रहा हूँ। फरमाए कि गुफ्तगु क्या कोई मेरी समझे, बतौर खास मतलब पेश कर हजरत समझदार हजरत हैं। गुफ्तगु क्या कोई मेरी समझे, आतश भाई गुफ्तगु क्या कोई मेरी समझे, ज़र्फ जिसमें है बस वही समझे। हाय हाय हाय, आप तक बात पहुंची जैन साहब, फरमाए चूंकि आगे बैठने वाले की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गुफ्तगु शाही साहब, गुफ्तगु क्या कोई मेरी समझे, ज़र्फ जिसमें है बस वही समझे,
ज़र्फ़ जिसमें है बस वही समझे, ज़र्फ़ जिसमें है बस वही समझे, ज़र्फ़ जिसमें है बस बहुत अच्छा मतलब है मुखातिब हो रहा है, ज़र्फ़ जिसमें है बस वही समझे। बतौर खास गुफ्तगू क्या कोई मेरी समझे, ज़र्फ़ जिसमें है बस वही समझे, अज़मत सैयदा है दूर की बात पहले फिजा की जिंदगी समझे, समझे ज़र्फ़ जिसमें है बस वही समझे। अल्लाह फरमाए गुफ्तगू गुफ्तगू क्या कोई मेरी समझे, ज़र्फ़ जिसमें है बस वही समझे। बता दे खास ज़र्फ़ जिसमें है बस वही समझे। बतौर खास ये भी शेर नज़्म कर रहा हूँ, अज़मत सैयदा है दूर की बात पहले फिजा की जिंदगी समझे, गुफ्तगू क्या कोई मेरी समझे, ज़र्फ़ जिसमें है बस वही समझे। और तारीख के हवाले से नज़्म करूं, मौलाना फरमाए कि उसने बर्बाद कर दिया लश्कर, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वारसला अलैहिम तेरन अबाबील। अशर आपके वाले कर रहा हूँ, उसने बर्बाद कर दिया लश्कर, उसने बर्बाद कर दिया लश्कर, लोग पत्थर की कंकरी समझे, गुफ्तगू क्या कोई मेरी समझे, ज़र्फ़ जिसमें है बस वही समझे। और आप सब की तरफ से भाई शेर आप यहाँ आके सुनते तो कुछ और बात होती, आ जाइए आप जरा सलवात पढ़ दें। एक शेर और भाई कर रहा हूँ, गुफ्तगू क्या कोई मेरी समझे, ज़र्फ़ जिसमें है बस वही समझे। और ज़ात ये शेर आप समझदार हैं, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, समझना आपका काम है। हसन भाई, खा गए हैं जो हक मासूमा, समझ गए आप, खा गए हैं जो हक मासूमा, उनसे अल्लाह और नबी समझे, उनसे अल्लाह और नबी समझे, हमने देखा है करबला में यही, और मौत को लोग जिंदगी समझे, गुफ्तगू क्या कोई मेरी समझे। ज़र्फ़ जिसमें है बस वही समझे। नारे सलवात का सहारा दें हज़रात, यहाँ से हज़रात एक मनकबत बहुत हुक्म है, लिहाजा मैं पेश कर देना चाहता हूँ। और आपकी समातों के हवाले शहज़ादी के हवाले से कलाम मतला है, और पहली बार पढ़ रहा हूँ, शायद तरन्नुम भी पहली मरतबा पढ़ने जा रहा हूँ, हालांकि बहुत थकन है, मगर आप समात फरमाएं। और अगर मैं यहाँ कामयाब हो गया तो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा इंशाल्लाह, चूँकि यही हमारे हर वक्त मिलने जुलने वाले जो पास करेंगे मैं इंशाल्लाह। भैया तो जो चाहता मुलाजा फरमाएं, बतौर खास एक और सलवात पढ़ दें। मुलाजा फरमाएं,
जिस तरह नाम तेरा मैंने लिया है जहरा, मतलब पेश करो जरा, बताओ खास मुलाकात फरमाए, बदलता हूँ आप मेरी तरह मुखातिब रहिए, एक सलावत पढ़ दीजिए भाई देखिएगा। जिस तरह साथ मेरे तेरी दुआ है जहरा, जिस तरह साथ मेरे तेरी दुआ है जहरा, दिल मेरा तब से खाना बना है जहरा। जिस बतौर खास पेश करो फरमाए, जिस तरह साथ मेरे तेरी दुआ है जहरा, बतौर खास पेश पेश करो भाईजान फरमाए कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती मुझको, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती मुझको, दिल की धड़कन भी तो मसरूफे अज़ा है जहरा। दिल की धड़कन तो भी मसरूफे अज़ा है जहरा। और ज़ात ये शेर बिला तमहीद में शेर पेश कर रहा हूँ, दुआएं आपसे चाहे तो महसूस कर लेंगे अतश भाई, बिलखसूस पेश कर रहा हूँ बतौर खास कि क्यों ना वो खाक भला खाके शिफा हो जाए। सागर साहब, क्यों न वो खाक भला खाके शिफा हो जाए, क्यों न वो खाक भला खाके शिफा हो जाए, जिसकी मिट्टी में तेरा खून मिला है जहरा, जिसकी मिट्टी में मिला है जहरा, क्यों न वो खाक भला खाके शिफा हो जाए, जिसकी मिट्टी में तेरा खून मिला है जहरा। जिस तरह साथ मेरे तेरी दुआ है जहरा। और बिलखसूस शेर आपकी खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ, अल्लाह फरमाए कि ये भी सदका है, ये भी सदका है तेरे पर्दे का ऐ ज़ैनब दी, ये भी सदका है तेरे पर्दे का ऐ बिन्ते नबी, ये भी सदका है तेरे पर्दे का ऐ बिन्ते नबी, ये भी सदका है तेरे पर्दे का ऐ बिन्ते नबी, सर पे फूलों के जो खुशबू की रिदा है जहरा। इस तरह बतौर खास हज़रात, जिस तरह नाम, और हज़रात आखिरी शेर इस सिलसिले का बतौर खास पेश कर रहा हूँ, मौलाना फरमान हज़रात, जिस तरह नाम, मौलाना फरमाए उसके बाद ख़त्म दुआ, दूसरा शेर आपके सामने आएगा, मौलाना फरमाने बतौर खास कि क्यों न खिदमत को फरिश्ते भी तेरे घर आए। बहुत आसानी से पढ़ रहा हूँ, क्यों ना खिदमत को फरिश्ते भी तेरे घर आए, क्यों ना खिदमत को फरिश्ते भी तेरे घर आए,
सागर मरकज अनवार खुदा है जहरा, तेरा घर मरकज अनवार खुदा है जहरा, मेरी बख्शिश के लिए हश्र में काफी होगा, मेरी बख्शिश के लिए हश्र में काफी होगा, तेरी मिदहत में कसीदा जो लिखा है जहरा, तेरी मिदहत में कसीदा जो मेरी बख्शिश के लिए हश्र में काफी होगा, मेरी बख्शिश के लिए हश्र में काफी होगा, तेरी मिदहत में कसीदा जो लिखा है जहरा। शुक्रिया सर।